बात वरुण की किताब पर हो रही है जो उसने लिखी है, और वरुण से मेरा वास्ता 2008 से हुआ जब जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ चैनल शुरू हुआ, तो हम असाइनमेंट में हमारे साथ काम करते थे, वहाँ से मैं उनकी यात्रा को देख रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने उसमें लिखा भी है कि उनके अंदर एक बेचैनी शुरू से थी और उसको उन्होंने अलग अलग तरह से सामने लाने का प्रयास किया, कभी लेखन के माध्यम से, पॉलिटिकल लोगों से जो जुड़ के समझना सीखना, और उनके अंदर जो रिपोर्टिंग का एक बंद चल रहा था उसको भी उन्होंने पूरा किया, संपादक बनने का, लेखन का। तो उनकी जो यात्रा है, जैसा कि राहुल बोल रहे थे कि 1998 से लेकर 2022 तक का, तो वो उनकी यात्रा और पॉलिटिकल यात्रा दोनों का एक सम्मिश्रण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये है, यदि कोई पत्रकार रिपोर्टर के तौर पर फील्ड में है तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए और उसकी रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए। तो जब योगी जी ने अपनी पार्टी बनाई तो जब कोटमी गांव में वो सभा कर रहे थे, अजीत जोगी जी और उनके बेटे के क्या भाव थे चेहरे के, क्या मुद्राएं थी और उसके क्या अर्थ है। यदि किसी को रिपोर्टिंग के बारे में सीखना हो तो रिपोर्टिंग के साथ कैसे हो सकता है, वो उसका उस तरह से बेहतर उदाहरण है। दूसरी बात आती है, जब आप फील्ड में नहीं हैं और आप ऑफिस में हैं और आप घटना को देखना चाहते उस नज़रिए से कि आप वहाँ पर हैं, तो वो उनके बाकी लेखों में आपको दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत निर्मम है वो लिखने के मामले में। डॉक्टर साहब के 15 साल के कार्यकाल के बारे में भी उन्होंने जो लिखा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो डॉक्टरी करने नहीं आए, लेकिन उन्होंने कर दी, ये बात बिल्कुल सही है। इतनी अच्छी समीक्षा उन्होंने की है, जितना हम लोग ने पढ़ने के बाद उसमें जो हमारे बारे में हमने लिखा है उससे अच्छा डॉक्टर साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी समीक्षा की है। और जो मैंने उसमें आखिरी में लिखा है कि वरुण का श्रेष्ठ आना बाकी है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी जो आगे बढ़ने का जज्बा है और जो उनके अंदर एक द्वंद चल रहा है कि उनको कुछ और दिखाना है, कुछ बहुत अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए वो लगातार संस्थान और माध्यम भी बदल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया, इतना प्रयोगवादी होना, शहर बदलना, राज्य बदलना। और यदि आप उनके लेखों का संग्रह देखें तो वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय चीजों तक पर इन जो 100 करीब लेख हैं उनमें दिखाई देता है। और उनके लेखों को, हालांकि किताब की शक्ल आई उसमें बहुत ज़्यादा एडिट कर दिया गया, यदि उसको कम एडिट किया जाता तो शायद और अच्छा आपको देखने को मिलता है। बस इन बातों के साथ मैं चाहूँगा कि वरुण जीवन में आगे और तरक्की करें और उनका बेहतर हमको देखने को मिले। धन्यवाद।